चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने गर्मजोशी और दोस्ती का दुर्लभ प्रदर्शन करते हुए भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का आज भव्य ग्रेट हॉल पीपल में स्वागत किया और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके बीच हाल में हुए समझौतों और आपसी सहयोग को लागू करने की दिशा में चीन और भारत ने ठोस कदम उठाए हैं। भारत की अपनी हाल की यात्रा का स्मरण करते हुए उन्होंने सुषमा से कहा, मुझे चीन और भारत के रिश्तों पर पूरा विश्वास है और मेरा मानना है कि इस साल द्विपक्षीय रिश्तों के विकास की अच्छी प्रगति हासिल होगी। चीनी राष्ट्रपति ने कहा कि उनकी भारत यात्रा के बाद दोनों देशों के रिश्तों ने एक नए दौर में प्रवेश किया है और सकारात्मक पक्ष यह है कि भारत और चीन इस रिश्तों को आगे बढ़ा रहे हैं। दोनों देशों ने जून तक सिक्किम के रास्ते तिब्बत से कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए दूसरा मार्ग खोलने के तौर तरीकों को लेकर कल दस्तावेजों का आदान प्रदान किया। यह दोनों पक्षों द्वारा उठाए गए ठोस कदमों में से एक है। इससे भारतीयों की कठिन कैलाश मानसरोवर यात्रा आसान हो सकेगी। शी ने पिछले साल अपने भारत दौरे में मोदी से नया मार्ग खोलने का वायदा किया था। आपको बता दें कि आज भारतीय विदेश मंत्री की चीन यात्रा का अंतिम दिन है। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए अक्षय की रिपोर्ट।